विगत 10 अगस्त को अपने 74वें वर्ष में प्रवेश करने वाले भाकपा माले के वरिष्ठ और आरपीएफ के संस्थापक महासचिव कॉमरेड राजा राम के बारे में किसी ने भी ना सोचा था कि हमारे बीच से वे ऐसे अचानक चले जाएंगे। 1 सितंबर की रात में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन अपने पीछे एक ऐसे विरासत छोड़ गए हैं जिस पर न केवल भाकपा माले बल्कि तमाम लोकतंत्र पसंद जमात गौरव महसूस करती रहेगी। 3 सितंबर को उनकी अंतिम यात्रा में शामिल पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ साथ वाम जनवादी संगठनों के प्रतिनिधियों सामाजिक कार्यकर्ताओं ने नम आंखों लेकिन बंद मुट्ठी से अपने प्रिय कॉमरेड को विदाई दी और उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। राजा राम सिंह को लाल सलाम। आता है और जाता है, जो जन्म लिया है वो जाएगा, लेकिन उसका जीवन जिसको हम याद करते आगे की रास्ता बनाते हैं। राजा राम जी को मैं देखता हूं 1982 में, 83 में, 84 में, 85 में, उस समय लिबरेशन और लोक युद्ध नाम की जो पत्रिका थी वो सामान्य रूप से रखने में भी सब लोग को भय लगता था, लेकिन राजा राम जी उसी समय से हम लोगों को हमेशा पढ़वाते रहते थे। और आज जो ये कठिन समय है, इस कठिन समय में संकल्प लेने का समय है, जिससे कि उनके विचारधारा को, उनके कामों को जो जीवन पर्यंत कमजोर वर्ग के विद्वानों के न्याय के लिए आवाज उठाते रहे, और आज के लोग जो नए नौजवान हैं उस समय की प्रताड़ना जुल्म को एहसास नहीं कर सकते, कर सकेंगे। और उन सभी झंझावों से राजा राम जी गुजरे, आज हम सब इस अवसर पर संकल्प लें कि जिन विचारों को उन्होंने आगे बढ़ाया
इस धारा को हम सब मिलके मजबूत करेंगे। सामंतवादी पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ जीवन पर्यंत अपने आप को समर्पित रखेंगे, जिस तरह से कॉमरेड राजा राम आजीवन इस धारा को मजबूत करने का काम किया। इतना ही के साथ हम पूरा उनके चरणों में सभा सुमन अर्पित करते हुए कॉमरेड राजा राम को लाल सलाम, लाल सलाम। चेहरे पर कोई शिकन नहीं, जिससे अपने अधूरे छूट गए सपनों के पूरा होने का अटूट विश्वास हो, और वही भरोसा लिए कॉमरेड राजा राम चिर निंद्रा में सो गए। जन संघर्षों के भट्टे में तपे और सादगी के प्रतीक कॉमरेड राजा राम भाकपा माले के एक प्रमुख स्तंभ थे। सामाजिक बदलाव के प्रति अटूट प्रतिबद्धता उनकी तमाम उम्र बनी रही। एक मार्क्सवादी नेता जो सीपीएम छोड़कर 1970 के दशक की शुरुआत में कॉमरेड ए के राय के साथ जुड़े और फिर आपातकाल के दौरान जेल में रहे। अपनी रिहाई के बाद वे CPIML में शामिल हो गए और इंडियन पीपुल्स फ्रंट की स्थापना व पूरे देश में क्रांतिकारी लोकतंत्र का संदेश फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में IPF तमाम देशभक्त और जनवादी ताकतों का एक विशाल मोर्चा बनता गया। IPF के नेतृत्व में चले आंदोलन के दौरान कॉमरेड राजा राम को कई बार असहनीय दमन झेलना पड़ा, लेकिन वे कभी डिगे नहीं। 1984 के हिलसा में एक आंदोलन के दौरान पुलिस ने कॉमरेड राजेंद्र पटेल सहित कॉमरेड राजा राम और उनके साथियों पर बेरहमी से लाठियां चलाई। इस दमन की सर्वत्र निंदा हुई। उस दौरान भी कॉमरेड राजा राम को अपने साथियों के साथ कई महीने जेल में रहना पड़ा। 1988 में तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 59 अमेंडमेंट्स के खिलाफ IPF ने एक बार फिर मोर्चा खोला। उसने जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया। कॉमरेड राजा राम सहित 13 लोग गिरफ्तार हुए। अरवल जनसंहार के खिलाफ 1986 का ऐतिहासिक बिहार विधानसभा घेराव भला कैसे भूला जा सकता है। इस आंदोलन के मुख्य शिल्पकारों में कॉमरेड राजा राम थे, कॉमरेड नागभूषण पटनायक और कॉमरेड अखिलेंद्र प्रताप सिंह सहित कॉमरेड संगीता जी, जो कॉमरेड राजा राम जी की पत्नी भी है, उन पर पुलिस का खौफनाक हमला हुआ था। पुलिस दमन की बर्बर तस्वीर देश विदेश में छपी थी। CPIML की केंद्रीय समिति के सदस्य के रूप में उन्होंने छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली और बिहार में पार्टी का नेतृत्व किया। वे पार्टी के केंद्रीय कंट्रोल कमीशन के चेयरमैन भी थे। श्रद्धांजलि सभा में माले महासचिव कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि उनके निधन से पार्टी ने महत्वपूर्ण राजनीतिक मोड़ पर एक अनुभवी और प्रतिबद्ध सेनानी खो दिया है। कॉमरेड संगीता जी, कॉमरेड अभिषेक और उनके परिवार के अन्य शोक संपत्त सदस्यों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। वहीं कॉमरेड अभिषेक ने कहा कि उनके पिता कॉमरेड राजा राम जी न सिर्फ उनके पिता थे बल्कि उनके राजनीतिक गुरु भी थे। लेकिन हॉस्पिटल में हम 3-4 बार, ऐसे भी हम लोग जब राजनीतिक जीवन में अलग अलग रहे हैं, बहुत कम मौके मिले हैं इनके साथ रहने का, लेकिन जब भी मौका मिला हमें आम लोगों के बारे में, गरीबों के बारे में, जो समाज और सोसाइटी का जो पूरा जो सिस्टम है उसको समझाने की कोशिश, और कैसे कम्युनिस्ट पार्टी जनता के लिए समर्पित है और हम सब लोग इस समाज को बदलने के, बदलाव के लिए खड़े हैं। और उस दौर में, जब आज इस दौर में हमको तो आज हॉस्पिटल में थे और एक तरह से अनकॉन्शियस स्थिति में थे, तब बार बार एक ऐसी बात क्या हुई जिसमें वो बार बार कह रहे थे कि बिहार को जन आंदोलन की जरूरत है, अभिषेक जाकर के उसको हॉस्पिटल वहां टंगा है लिखने का, वहां पर लिख दो, बार बार कह रहे थे। मतलब वो कॉन्शियस नहीं थे, लेकिन ये जो बार बार आंदोलन आंदोलन, ये जो जीवन में कि संघर्षों के विरासत को संभालते हुए जन आंदोलन बिहार की जरूरत है, वो अनकॉन्शियस स्थिति में भी वहां खड़े थे। मतलब जीवन में वो अपने आप को उस रूप में, आज भी हमको लगता है कि हम सब लोग परिवार में जो भी कुछ लोग हैं वो परिवार के लिए तो बहुत कम, लेकिन परिवार को भी कैसे ले चलना है, परिवार में भी जरूरत पर कैसे खड़ा होना है, और फिर पार्टी के तमाम जिम्मेदारियों में बहुत महीनों महीनों साल कहिए कि दूसरे राज्यों में काम करते थे, बिहार के बाद 92 के बाद दूसरे राज्यों में जा करके, लेकिन परिवार माँ चला रही थी, माँ भी कैसे संगठन के साथ लगे, विभिन्न सम्मेलनों में माँ कैसे शामिल हो, वो जाए और सीखे,
ये जो उनकी हमेशा कोशिश रही कि पार्टी के साथ जुड़ाओ, संघर्ष के साथ जुड़ाओ, आंदोलनों के साथ जो जुड़ाओ, ये जरूर ही हम लोगों को प्रेरणा देता रहेगा। और निश्चित रूप से हम आज इनके इस पार्थिव शरीर के सामने हमारे बीच में जरूर ये नहीं है, उनकी तमाम यादें हम लोगों के साथ रहेंगी। और निश्चित रूप से हम ये संकल्प लेते हुए कि कॉमरेड राजा राम जी की जो पूरी विरासत है, जो उनका संघर्ष है, वो हम सब लोगों को आगे बढ़ने का प्रेरणा देगा। और हम आगे बढ़ेंगे संघर्षों के इस पूरी लड़ाई में, भाजपा वाले को, लाल झंडे को मजबूत करने के लिए फासीवादी दौर में हम सब लोग अपनी त्याग और समर्पण करके उस संकल्प को पूरा करेंगे। इन्हीं सपनों के साथ कॉमरेड राजा राम अमर रहे। कॉमरेड राजा राम की विरासत हमेशा जीवित रहेगी और संघर्ष के हर क्षेत्र में कम्युनिस्टों और अन्य फासीवाद विरोधी सेनानियों को प्रेरित करती रहेगी। कॉमरेड राजा राम को लाल सलाम। कॉमरेड राजा राम अमर रहें।